हैं आप सभी लोग। मैं अर्चना सिंह आपका एक बार फिर से वेलकम करती हूँ यूपीएससी यूपीपीएससी मेंस के पेपर नंबर 4 में। तो आज हम लोग करेंगे दार्शनिक विचारक सामाजिक कार्यकर्ता सुधारक के अंतर्गत कौटिल्य के विषय में। कौटिल्य यानी कि चाणक्य भी जिसे कहा जाता है, तो उनके बारे में देखेंगे कि उनके विचार क्या थे, उनके सप्तांग सिद्धांत क्या थे, मंडल सिद्धांत क्या थे, उनकी नीतियाँ क्या थी जिसके द्वारा उन्होंने मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य के द्वारा भारत पे शासन किया उनका महामंत्री रहते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं कौटिल्य के बारे में चर्चा आज की। और जो व्यूवर्स पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसके अलावा भी तीनों पेपर बाकी की मेंस की तैयारी हमारे चैनल पे कराई जा रही है जो कि पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं है, जो कि शुरू से और एंड तक कराई जाएगी। प्लस प्री की तैयारी, करंट अफेयर सब कुछ है हमारे चैनल पे। तो इसके लिए देखते रहिए सक्सेस पंच और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, कोई पॉइंट समझ नहीं आता है या कोई और वीडियो आपको देखनी है, तो प्लीज़ वीडियो सेक्शन में जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौटिल्य के बारे में। तो कौटिल्य का प्रारंभिक जीवन जो था, ये नॉर्मल आप इंट्रो में दे सकते हैं, क्वेश्चन जिस हिसाब से आएगा उसके अकॉर्डिंग। इनका जन्म हुआ था अनुमानता 375 ईसा पूर्व में, जो कि पाटलिपुत्र में है। इनकी मृत्यु हुई थी 283 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में ही। ये रहते कहाँ थे? पाटलिपुत्र में। शिक्षा इन्होंने तक्षशिला में प्राप्त की थी और ये चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। ये तो नॉर्मल इनका जीवन है। इसके अलावा मैं आपको और थोड़ी सी चीज़ें बता देती हूँ कि ये एक महान राजनीतिक प्रशासनिक विचारक थे और इनको चाणक्य, विष्णुगुप्त इन सब नामों से भी जाना जाता था। और ये जो, जैसे कि मैंने बताया, चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। इन्होंने चंद्रगुप्त की सहायता से नंद वंश को समाप्त किया और चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट भी इन्होंने ही बनाया था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। इस अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं, 180 प्रकरण हैं, 150 अध्याय हैं और 180 विषयों पर लगभग 6000 श्लोक हैं। और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी मतलब कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बहुत सारा योगदान दिया है कि राजनीति के अर्थशास्त्र, यहाँ पुस्तक का नाम के अंदर अर्थशास्त्र इकोनॉमी नहीं है, ये पॉलिटी से रिलेटेड बुक है जिसके अंदर राजनीति के द्वारा देश का प्रशासन कैसे चलाया जाता है इसके बारे में इन्होंने जानकारी दी है। तो ये सारी चीज़ें इनके विषय में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इनका प्रारंभिक जीवन तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इनकी जो शिक्षाएं हैं वो एग्ज़ाम में पेपर में पूछी जाती हैं। तो इसको मैंने डिटेल बाय डिटेल पार्ट्स में डिवाइड किया और आप अपने एग्ज़ाम में एज इट इज़ लिखे आएंगे, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ये कौटिल्य का दर्शन है। कौटिल्य के दर्शन को इस टाइप में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि इन्होंने राज्य की अवधारणा के बारे में क्या कहा है, राज्य के तत्वों के बारे में क्या कहा है, राज्य का कार्य क्या होता है, कूटनीति और विदेश नीति के विषय में इनके क्या सिद्धांत हैं। इन्होंने कूटनीति और विदेश नीति में एक मंडल सिद्धांत और 6 सूत्रीय विदेश नीति दोनों दी है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन कंबाइंड भी आ सकता है कि कौटिल्य के दर्शन के बारे में बताइए, तो ये ग्राफ बना के उसके बाद आप छोटा छोटा डिटेल सबकी दे सकते हैं। और अगर अलग अलग चीज़ें आती हैं कि राज्य की, कौटिल्य के दर्शन के संबंध में राज्य की अवधारणा को समझाइए, तो आप ये वाला पॉइंट फर्स्ट डिस्कस करोगे। अगर बोलेंगे कौटिल्य के दर्शन के अंतर्गत राज्य के तत्व या सप्तांग सिद्धांत को बताइए, तो आप ये प्रॉपर डिस्कस करेंगे। राज्य के कार्य पूछेंगे उनके दर्शन के अंतर्गत, तो ये वाला पॉइंट डिस्कस करोगे। और बाकी मंडल सिद्धांत पूछ लिया और 6 सूत्रीय विदेश नीति पूछ ली, तो आप इस टाइप से डिस्कस करेंगे। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एग्जाम में लिखना कैसे है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं और पूछने वाला है एग्जामिनर। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले राज्य की अवधारणा के बारे में। तो कौटिल्य ने राज्य के विषय में दैवी सिद्धांत को स्वीकार करते हुए, दैवी सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया है इन्होंने, और इन्होंने सामाजिक समझौते का पक्ष रहा है। उनका मत है कि जब लोग मत्स्य न्याय से तंग आ चुके थे तब उन्होंने मनु को राजा चुना और अपने कृषि उपज का 1/6 भाग राजस्व के रूप में राजा ने उन्हें सुरक्षा तथा कल्याण की जो कि जिम्मेदारी दी, और बदले में राजा ने उन्हें सुरक्षा और कल्याण का उत्तरदायित्व संभाला। और सामाजिक समझौते के तहत राज्य की उत्पत्ति हुई। राजा प्रजा से जो राजस्व का 1/10 भाग देने तय हुआ था उसकी वसूली करता था और उसके बदले में लोगों के कल्याण के लिए
काम करता था। इसका ओवरऑल सीधा सा मतलब मैं आपको ये बता देती हूँ कि जैसे कि पहले की चीज़ें होती थी कि लोग कहते थे राज्य जो है वो जो राजा होता है वो देवता का प्रतिनिधि होता है, वो उसको देवता मान के कार्य करना चाहिए। बट कौटिल्य ने ऐसा कुछ नहीं कहा। कौटिल्य ने कहा कि जब लोगों को ज़रूरत पड़ी कि हमारी कोई रक्षा करे तो उन्होंने एक राजा की रचना की और उन्होंने कहा कि वो राजा अगर हमारी रक्षा करेगा, हमारी सुरक्षा करेगा, हमारा कल्याण करेगा तो हम उसे अपना जो भी हमारा कृषि उपज होता है, जो हमारी आय होती है उसका 10वां भाग हम उसे देंगे, जिसके द्वारा वो अपना भरण पोषण करके और बाकी प्रजा की भी सुरक्षा कर सके। तो उन्होंने दैवी सिद्धांत को ना मान के सामाजिक समझौता, समझौता यही कि हम उसे 10वां भाग देंगे उपज का तो वो हमारी सुरक्षा करेगा, ये दोनों आपस में समझौता हुआ और इसी से राज्य की उत्पत्ति हुई। तो ये थी कौटिल्य की राज्य की अवधारणा। तो ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि राज्य की अवधारणा कौटिल्य के द्वारा कैसे क्या कही गई थी। चलिए आगे देखते हैं। तो राज्य के तत्व के बारे में कौटिल्य ने कहा है कि राज्य के जो तत्व होते हैं वो सप्तांग सिद्धांत पर आधारित हैं। मतलब कि राज्य के जो तत्व हैं वो 7 सिद्धांत ऐसे हैं जिसके ऊपर राज्य आधारित होता है। तो 7 सिद्धांतों की हम बात करेंगे तो देख लेते हैं। सबसे पहला है स्वामी। स्वामी का मतलब होता है मेनली यहाँ राजा होता है। और जो सप्तांग सिद्धांत के बारे में हम बात कर रहे हैं इसमें कौटिल्य ने राज्य की तुलना मानव के शरीर से की है। जिस प्रकार मानव के शरीर के सभी अंग मिलजुल कर अपना कार्य करते हैं उसी प्रकार राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत है वो मिलजुल कर अपना कर्तव्य उत्तरदायित्व का उन्हें निर्वहन करना चाहिए, इसी से राज्यकाज आगे चल सकता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमने देखा था स्वामी। स्वामी मतलब कि राजा जिसे कहा जाता है, इसको महत्वपूर्ण अंग माना गया है राज्य का। और राजा को एक आदर्श पुरुष होना चाहिए और उसमें सभी अच्छी विशेषताएं या गुण होने चाहिए। चाणक्य के अनुसार राजा महत्वाकांक्षी, धर्म में रुचि रखने वाला, सत्यवादी, परिश्रमी और दूरदर्शी होना चाहिए। वे चरित्रवान, योग्य, गुणी की पहचान करने वाला, उनका आदर करने वाला होना चाहिए। तो स्वामी जो है राज्य के शीर्ष या सिर के समान होता है। तो नेक्स्ट इन्होंने बात की सप्तांग सिद्धांत में अमात्य, जिसे मंत्री कहा जाता है। तो योग्य और गुणी अधिकारी जो कार्यों का निष्पादन करे इसे राज्य की आंखें कही जा सकती है। और मंत्री को चरित्रवान और निपुण होना चाहिए कौटिल्य के अनुसार। तीसरा हम बात करेंगे यहाँ सप्तांग सिद्धांत में कि जनपद। जनपद का अर्थ होता है भूमि, प्रजा या जनसंख्या। तो इसके अंदर आता है हमारा ये कौटिल्य के अनुसार राज्य की जंगा और पैरों की तरह होती हैं जिस पर राज्य का अस्तित्व टिका होता है। चाणक्य ने उपजाऊ प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न, पशुधन वाली, तालाबों नदियों से युक्त वन्य भूमि को उपयुक्त बताया है। जनसंख्या में कृषक, उद्यमी व आर्थिक उत्पादन में सहयोगी जो होते हैं वो लोग सम्मिलित होते हैं। और प्रजा स्वामी भक्त और आज्ञा का, राजा की जो आज्ञा होती है उसका पालन करने वाली होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे सप्ताह सिद्धार्थ में दुर्ग की। दुर्ग का अर्थ होता है यहाँ किला। तो ये राज्य की एक, जैसे हमने बताया था भी मानव शरीर की भांति ये सप्ताह सिद्धांत होते हैं। तो ये राज्य की हमारे जो दुर्ग होते हैं वो भुजा या बाहों की तरह होते हैं। ये राज्य की रक्षा करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं और राज्य को रक्षा हेतु मजबूत किला या दुर्ग बनाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोष की, जिसे राजकोष भी कहा जाता है। ये राज्य के मुख के समान होते हैं। राज्य के संचालन हेतु कोष का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है क्योंकि सेना और नौकरशाही के खर्चे को पूरा करने के लिए राजकोष का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और चाणक्य ने जो भी कुछ उपाय बताए हैं वो कोष को बढ़ाने के लिए काफ़ी उपाय बताए हैं कि राजकोष को बढ़ाने के लिए राजा क्या क्या उपाय कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दंड की। दंड के अंतर्गत बल, दंडा या सेना सब कुछ सम्मिलित होती है। तो ये राज्य के मस्तिष्क के समान होता है। शत्रुओं व प्रजा पर नियंत्रण हेतु सेना की मजबूती बहुत ज़्यादा आवश्यक होनी चाहिए। नेक्स्ट हम जो सप्ताह सिद्धार्थ में लास्ट है वो है सुहृदय। सुहृदय मतलब कि हमारा मित्र। मित्र जो होता है राज्य के कान के समान माना गया है। कौटिल्य ने मित्र को सहज और कृत्रिम मित्र में अंतर उसने करने को कहा है कि जो सहज होता है और जो कृत्रिम मित्र होता है उसमें राजा को अंतर करना आना चाहिए, जिससे
जिस राजा के मित्र कामी होते हैं, लोभी होते हैं और कायर होते हैं, उस राजा की विनाश की संभावना बिल्कुल बढ़ जाती है। तो ये जो सात हैं सिद्धांत, ये कौटिल्य के अनुसार तो एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांतों के बारे में विवेचना कीजिए। तो आप कोई भी एक वेन डायग्राम बना के उसको, ये सातों को लिख के, फिर उसकी दो दो तीन तीन लाइन में एक्सप्लेनेशन, जैसे कि मैंने आपको समझाया वैसे आप कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं राजा के कार्य के बारे में। तो राजा के कार्य के बारे में कौटिल्य ने कहा है कि उसके चार पांच तरह के मुख्य कार्य होते हैं। वैसे तो बहुत सारे कार्य होते हैं, बट मेन कार्य के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे, जैसे कि सुरक्षा संबंधी कार्य, स्वधर्म का पालन करना, सामाजिक दायित्व और जनसंख्या जन कल्याण संबंधी कार्य। सुरक्षा संबंधी कार्यों में आप समझ चुके होंगे कि राज्य की प्रजा और जितनी भी जनता है उसकी जो सुरक्षा है वो राज्य का कार्य, राजा का कार्य होना चाहिए। स्वधर्म का पालन करने का अर्थ है यहाँ पर कि राजा का कर्तव्य है कि वह स्वधर्म का पालन करे, वर्णश्रम धर्म के अनुसार कार्य करना ही राजा के, मतलब कि उस समय जो वहाँ व्यवस्था चल रही है धर्म की, उसका ही वहाँ पालन करना चाहिए। जैसे कि राजा में हो, प्रजा में हो, जनता में हो, उसके अकॉर्डिंग ही उसको पालन करना चाहिए धर्म का। नेक्स्ट है सामाजिक दायित्व। सामाजिक दायित्व के अंतर्गत होता है कि न्याय की स्थापना करना, सभी का कल्याण करना, विकास करना, यही सब राजा का कर्तव्य होता है। और अगर मान लो उसके मतलब कि उसके राज्य में कोई भी ऐसा केस आता है जिसमें उसे न्याय करना बहुत अति आवश्यक होता है, तो उसे दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर ही न्याय करना चाहिए, उसे एक पक्ष की ओर पूरा अपना दायित्व नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट इसमें जन कल्याण के कार्य। तो इसमें तो आप लोगों को पता ही है कि आधारभूत सुविधाएं जैसे कि सड़क हो गया, बांध हो गई, सिंचाई सुविधा, नहर आदि की व्यवस्था करना, पशुपालन, कृषि उद्योग आदि का विकास करना, यही सब राजा का दायित्व होता है। तो ये चार पांच पॉइंट्स हैं, ये आप लिख के इसको एक्सप्लेनेशन अपने शब्दों में करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मंडल सिद्धांत, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मंडल सिद्धांत क्या होता है? तो मंडल सिद्धांत में चाणक्य ने अपने जो एक राज्य होता है वो विभिन्न राज्यों द्वारा दूसरे राज्यों के प्रति गई अपनाई गई नीति का वर्णन करता है। इसका अर्थ ये होता है कि एक राज्य है, मान लीजिए उसके आसपास बहुत सारी सीमाएं लगी होंगी, तो सीमाओं में अलग राजा राज्य कर रहा होगा, तो उन राजाओं के प्रति कौटिल्य के द्वारा कुछ नीतियाँ अपनाई गई हैं, तो वो नीतियाँ ही मंडल सिद्धांत कहलाती हैं। तो कौटिल्य ने मुख्यतः चार मंडलों का उल्लेख किया है, जिसमें हम बता देते हैं, ये जो इसमें वर्ड्स लिखे हैं विजिगीषु, उसका मतलब मैं आगे आपको समझाऊंगी, बाकी आप पहले ही से समझ लीजिए कि ये चार मंडल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला प्रथम मंडल है, इसमें स्वयं विजिगीषु, उसका मित्र और उसके मित्र का मित्र शामिल होता है। विजिगीषु मतलब स्वयं वो राजा जो अपने राज्य पर आधिपत्य रखना चाहता है, तो प्रथम मंडल में वो राजा, उसका मित्र, और अगर उसका मित्र है तो मित्र का जो मित्र होगा वो भी तो उसी राजा का मित्र ही कहा जाएगा ना, शत्रु तो नहीं हो जाएगा। तो ये फर्स्ट मंडल में शामिल होते हैं। सेकंड मंडल में होता है, इस मंडल में विजिगीषु मतलब कि राजा जो है उसका शत्रु शामिल होता है, साथ ही विजिगीषु के शत्रु का मित्र और शत्रु के मित्र का मित्र भी सम्मिलित किया जाता है। तो ये मंडल उन्होंने, कौटिल्य ने अपने अकॉर्डिंग राजा के जो राज्य था उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया था कि प्रथम मंडल में ये होंगे, सेकंड में ये होंगे, थर्ड में ये होंगे और फोर्थ में ये होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ लर्न करनी पड़ेंगी, क्योंकि कौटिल्य ने ऐसे ही सिद्धांत उसमें दिए थे। तो सेकेंड में, यहाँ फर्स्ट में तो मित्र आ गया, सेकेंड में होगा राजा का शत्रु, शत्रु का मित्र और शत्रु का शत्रु दोनों आएगा यहाँ पर। थर्ड मंडल में इसमें आता है मध्यम, उसका मित्र और उसके मित्र का मित्र। चलिए मैं आपको पहले मध्यम उदासीन और विजिगीषु का मीनिंग बता दूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले विजिगीषु का मीनिंग, ऐसा राजा जो विजय का इच्छुक है और अपने राज्य में उत्तम शासन स्थापित करना चाहता है, उसे विजिगीषु कहते हैं। क्योंकि ये टर्म नहीं समझ में आएगी तो आगे आपको वो मंडल सिद्धांत समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट है मध्यम, ऐसा राजा जिसका राज्य विजिगीषु और उसके शत्रु दोनों की सीमाओं से लगा हो, अतः इनमें से किसी का भी शत्रु या मित्र हो सकता है। मतलब कि ऐसा इसमें राजा होगा जो एक
विजय का इच्छुक राजा और उसके शत्रु, मतलब दोनों के सीमा से उसका राज्य लगा हो, उसे मध्यम कहा जाता है। तो वो शत्रु और मित्र कुछ भी हो सकता है। उदासीन का मतलब ये होता है ऐसा राजा जिसके राज्य की स्थिति विजिगीषु के शत्रु और मध्यम दोनों से परे हो, परंतु वह इतना बलशाली हो कि संकट के समय किसी की भी सहायता विरोध करने में समर्थ हो, इसलिए उसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती। उदासीन का मतलब है कि अगर वो राजा चाहे तो वो किसी का साथ दे भी सकता है, किसी का साथ नहीं भी दे सकता, उसके अंदर इतने सामर्थ्य होनी चाहिए। तो ये तीनों पॉइंट्स का मतलब ये है। चलिए हम देखते हैं तीसरे मंडल में क्या कहा है। तो इसमें इस मंडल में मध्यम, उसका पुत्र मित्र और उसके मित्र का मित्र शामिल होता है। मध्यम का मीनिंग अभी आपने समझ लिया। चौथे मंडल में ने कहा है कि इस मंडल में उदासीन, उसका मित्र और उसके मित्र का मित्र शामिल है। उदासीन मतलब वो जो बहुत ज़्यादा बलशाली होता है, वो किसी के शिविर में शामिल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इसमें उदासीन शामिल होगा, उसका मित्र होगा, उसके मित्र का मित्र होगा। मतलब कि चाणक्य ने इन चारों मंडलों में चार तरह के राज्य का शासन डिवाइड किया है कि इन चारों मंडलों के हिसाब से राजा को शासन करना चाहिए। कैटेगरीज इस हिसाब से अपने शत्रुओं और अपने मित्रों की डिवाइड करके फिर उसे आगे का शासन चलाना चाहिए। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं छह सूत्रीय विदेश नीति की। तो कौटिल्य ने विदेश संबंधों के संचालन हेतु छह प्रकार की नीतियों का वर्णन किया है। क्योंकि जैसे फॉरेन डिपार्टमेंट आज के ज़माने में होता है, तो उस समय भी फॉरेन से हमें ट्रेड करना होता था, फिर फॉरेन से शासन चलाना होता था, तो ये सब चीज़ें कैसे हैंडल करना होता था उस टाइम में, तो ये बताया है कौटिल्य ने। सबसे पहले उसने पहली नीति बताई है संधि की। तो सबसे पहला काम इंसान को संधि करना चाहिए, मतलब कि शांति बनाए रखने हेतु समतुल्य या अधिक शक्तिशाली राजा के साथ संधि की जा सकती है। अगर कोई राजा हमसे शक्तिशाली है या फिर हमारे बराबर का है, तो अगर हमें शांति बनाए रखनी है तो हमें उससे संधि कर लेनी चाहिए। आत्म रक्षा के दृष्टि से शत्रु से भी संधि की जा सकती है, किंतु इसका लक्ष्य शत्रु को कालांतर निर्बल बनाना है। मतलब अगर हमने अपनी रक्षा के लिए शत्रु से संधि की है, तो आगे इन फ्यूचर चल के ये होना चाहिए कि उसको हमें कम करना है, निर्बल बनाना है और अपने आप की शक्तियों को बढ़ाना है, इसलिए संधि आवश्यक है। पहला इसमें विदेश नीति ये है। नेक्स्ट विदेश नीति है विग्रह। विग्रह का मतलब होता है शत्रु के विरुद्ध युद्ध का निर्माण करना, तो इसका मतलब होगा विग्रह। नेक्स्ट है यान। यान का मतलब होता है युद्ध घोषित किए बिना आक्रमण की तैयारी करना, मतलब कि पहले से हम प्रिपेयर कर लें। जैसे कि एग्ज़ाम डेट नहीं भी आई है, फिर भी हम एग्ज़ाम की तैयारी करके बैठे हैं, तो उसे कहेंगे यान, कि हमने युद्ध की घोषणा भी नहीं की है कि हम युद्ध करने जा रहे हैं, बट पहले से ही उसकी हर तरह से तैयारी करना यह यान कहलाता है। नेक्स्ट हम बनेंगे आसन। आसन मतलब तटस्थता की नीति। तटस्थता मतलब किसी की ओर भी ना होना, ना हमें युद्ध करना है, ना हमें शांति चाहिए, हम बस एक मूक दर्शक बन के बैठेंगे वहाँ पर, तो ये होता है आसन। नेक्स्ट है संशय। संशय का मतलब होता है आत्मरक्षा के दृष्टि से राजा द्वारा अन्य राजा की शरण में जाना, तो किसी दूसरे राजा की शरण में जाना, उसकी सहायता प्राप्त करना, यह संशय कहलाता है। नेक्स्ट है द्वैधी भाव, अर्थात एक राजा से शांति की संधि करके अन्य के साथ युद्ध की नीति करना। इसमें क्या होता है, अगर कोई हमारा शत्रु है तो हम अपने किसी पावरफुल राजा से मित्रता कर लेंगे और दोनों गठजोड़ बना के उस वाले जिससे शत्रुता है उस पर आक्रमण कर देंगे, तो ये होता है द्वैधी भाव। तो ये छह जो है विदेश नीति बताई थी कि राजा को इन छह विदेश नीतियों के साथ तैयारी करके अपना विदेश जो नीतियाँ हैं, विदेशों से जो संचालन करना है, वो इस टाइप से हमें करना चाहिए। तो होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा बाहर से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपसे, ट्रस्ट मी। तो इसी तरह से आप तैयारी करके रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे कौटिल्य नीति की वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है। मतलब कि कौटिल्य ने जो नीतियाँ बनाई हैं, इतनी सारी मंडल नीति हो गई और विदेश नीति हो गई, इसके बाद सप्तांग सिद्धांत हो गए, तो उसकी जो इस समय की प्रासंगिकता है वो क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था को सुशासन का आधार बनाना, मतलब कि केंद्र एक पर्टिकुलर राजा हो गया और राजा के आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो एक पूरा राज्य का देखभाल करती हैं, जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तो ये होती है। यही कौटिल्य ने भी कहा था कि केंद्रीकृत व्यवस्था होनी चाहिए और उसी के आधार पर पूरा हमारा प्रशासन चलना चाहिए। तो ऐसे ही जैसे पहले चलता था, वैसे ही आज के ज़माने में भी चलता है। नेक्स्ट है
जिस प्रकार राजा में समझ शक्ति का केंद्र, वर्तमान में राष्ट्रपति में भी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका में समस्त शक्तियां निहित। जैसे कि पहले राजा होता था वो केंद्र में होता था, उसी में सभी शक्तियां निहित होती थी। इस समय राष्ट्रपति होता है जिसके अंदर कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इसके अंदर समस्त शक्तियां विद्यमान होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रशासनिक नियंत्रण, विशेषकर वित्तीय नियंत्रण को अनिवार्य बनाना। यहाँ पे प्रशासन में एक नियंत्रण होना आवश्यक है। आपने देखा होगा केंद्र में केंद्र सरकार होती है, राज्य में राज्य सरकार होती है, नगर पालिका होती है, पंचायत होती है, तो सबका एक नियंत्रित कार्य होता है, कार्य प्रणाली होती है और सबकी वित्तीय व्यवस्था अलग अलग होती है। तो यहाँ एक प्रशासनिक नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी होता है कौटिल्य के अनुसार, जो कि आज के सिनेरियो में भी देखा गया है। नेक्स्ट है प्रशासनिक लापरवाही और वित्तीय अनियमितता को रोकना। तो ये जो उस जमाने में ये चीज़ ज़रूरी थी और ये आज भी ज़रूरी है। इसके लिए जैसे कि सूचना का अधिकार आ गया है रोकने के लिए, प्रशासनिक लापरवाही और अनियमितता को रोकने के लिए बहुत सारे ऐसे एक लॉ और ऑर्डर बनाए गए हैं, जिससे ये जो लास्ट पॉइंट है वो आज के ज़माने में सुलझता है, आज के ज़माने में इसको सही किया जा सकता है, जो कि उस समय मौर्य शासन में कौटिल्य ने बताया था। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कौटिल्य ने उस समय बताई थी और आज के सिनेरियो में भी वो चीज़ें काम कर रही हैं। तो ये आप अपने एग्जाम में इसी तरह से और भी अगर आपके दिमाग में आता है तो लिखेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे कि और भी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो आज के लिए कौटिल्य का यही विषय समाप्त होता है। तो हमने तीन थिंकर देख लिए हैं, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी और कौटिल्य। नेक्स्ट मैं प्लेटो लेकर आऊँगी और धीरे धीरे हम ऐसे करके सारे थिंकर यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो जिसको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कुछ कमेंट ज़रूर बताएं कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है, क्या अच्छे से आई है और आपको और कौन से टॉपिक पर वीडियो देखनी है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मैं लेकर आऊँगी प्लेटो के बारे में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।